शांति का टापू कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ आखिर क्यों जला, ये हर कोई जानना चाहता है। दो बच्चों के बीच का झगड़ा इतना क्यों बढ़ा कि गांव में दो समुदाय के बीच जमकर मारपीट हुई, फिर हत्या के बाद हत्या। आखिर ऐसा कैसे, आखिर क्यों बिरनपुर वीरान हुआ? देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ यानी शांति का टापू, छत्तीसगढ़ यानी सौहार्द का गढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ का एक इलाका कुछ यूं धधक रहा है कि सूबे के दूसरे हिस्सों में भी इसकी तपन महसूस की जा रही है। हम बात कर रहे हैं बेमेतरा की। यहां के बिरनपुर गांव में 8 अप्रैल को कुछ ऐसा घटना घटा, देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और कभी भाई भाई की तरह रहने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आखिर बिरनपुर में ऐसा क्या हुआ, हमारी इस खास पेशकश में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तारीख 8 अप्रैल, इलाका बेमेतरा का बिरनपुर गांव। हर रोज की तरह आज भी सुबह की पहली किरण ने छत्तीसगढ़ के इस गांव के खेत खलियानों और दहलीजों को उजास से भर दिया था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। इसी बीच गांव के ही दो स्कूली बच्चों का साइकिल से कट मारने को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते एक युवक ने छात्र के हाथ पर कांच की बोतल तोड़ दी। इस घटना की जानकारी बच्चों के घरों तक पहुंची तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और उनमें मारपीट होने लगी और मामला खून खराबा तक पहुंच गया। 22 साल के भुवनेश्वर साहू की तलवार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गुस्साए लोगों ने उस पर पथराव कर दिया। एक पुलिसकर्मी को भी गंभीर चोटें आईं और मामला धीरे धीरे सांप्रदायिक रूप लेने लगा। पुलिस के पास जैसे ही ये सूचना आया कि दो बच्चों की झगड़ा में ये काफ़ी बढ़ गया है, पुलिस तुरंत वहां पर रेस्पॉन्ड किया है। क्योंकि पुलिस तुरंत रेस्पॉन्ड किया इसलिए वो झगड़े के बीच में जब पुलिस पहुँच गई है और दोनों पक्षों को समझाइश देने की कोशिश किया, उसी दौरान एक सब इंस्पेक्टर को गंभीर रूप से चोट लगी है जिससे करीब 30 घंटे तक वो आईसीयू में बेहोश रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये चुनावी साल है, लिहाजा हर छोटी बड़ी घटना सियासी रंग पकड़ लेती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। घटना के एक दिन बाद 9 अप्रैल को पूरा मामला सियासी हो चला। 9 अप्रैल को बीजेपी नेता मृतक भुवनेश्वर साहू के परिवार से मिलने उसके घर पहुंचे। इधर पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 10 अप्रैल तक तो बिरनपुर की आग की तपन पूरे प्रदेश भर में महसूस होने लगी। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर पूरा प्रदेश बंद कर दिया गया और बिरनपुर के पूरे इलाके में हर घर का दरवाजा बंद हो गया और लोग सहम कर दुबक गए। भुवनेश्वर साहू की हत्या की खबर पूरे सूबे में आग की तरह फैल गई। विश्व हिंदू परिषद ने 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया जिसका बीजेपी ने समर्थन किया और उसके प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पीड़ित परिवार से मिलने साजा ब्लॉक के बिरनपुर गांव के लिए रवाना हुए। लेकिन हजारों की भीड़ की वजह से बिरनपुर से महज कुछ किलोमीटर पहले पिपरिया में अरुण साव को रोक दिया गया क्योंकि अब इलाके में माहौल खराब हो चुका था। मकानों में आगजनी और पथराव की खबरें लगातार आ रही थी, कई मीडिया कर्मी भी जख्मी हुए। इसके साथ ही एक मकान को आग के हवाले कर दिया गया। आंदोलनकारियों की वजह से बिरनपुर जल रहा था, डरे सहमे ग्रामीण अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे। पुलिस सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर सड़क पर पहरा दे रही थी। भीड़ को कंट्रोल करने दुर्ग पुलिस ने भाजपा अध्यक्ष अरुण साव से बात की और उन्हें वापस जाने के लिए मना लिया। इसके बाद हालात काबू में आए। अभी तक जो हुआ वो कुछ भी नहीं था, लेकिन 11 अप्रैल को जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक दिन पहले जहां हिंसा हुई थी, जिस मकान को आग के हवाले किया गया था, 400 मीटर की दूरी में वहीं 200 बरामद किए गए, यानी कि मामला हाथ से निकल रहा था। अब छत्तीसगढ़ में वो हो रहा था जो इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा। बिरनपुर की आग अब कितनी बड़ी हो चुकी थी इसका अंदाजा तब हुआ जब 11 अप्रैल की सुबह
बीमेतरा पुलिस ने दो लोगों के शव बरामद किए। 10 तारीख को जिस मकान में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था उससे महज 400 मीटर की दूरी पर पिता रहीम मोहम्मद और पुत्र ईद उल मोहम्मद की लाशें मिली, जो बिरनपुर के ही रहने वाले थे। इस पूरे मामले को लौ जिहाद से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बंसल न्यूज की पड़ताल में भी ये बात जरूर निकलकर सामने आई कि एक समुदाय की कुछ लड़कियों ने दूसरे समुदाय के लड़कों से घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। लेकिन इस पूरी घटना से इस मामले का कितना लेना देना है ये कह पाना मुश्किल है। बिरनपुर की घटना से 1.5 महीने पहले ही दोनों समुदायों के बीच विवाद हो चुका था, जिसकी वजह लव जिहाद बताई गई थी। इसके बाद से ही गांव के लोग दो पक्षों में बट गए। एक समुदाय ने दूसरे समाज में लड़कियों की शादी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया था। इसके बाद तनाव और बढ़ गया। उस वक्त बीजेपी और बजरंग दल सहित दूसरे हिंदू संगठनों ने हिंदू युवतियों की मुस्लिम युवकों से शादी पर विरोध किया था। हालांकि पुलिस इस घटना को बिरनपुर हत्याकांड की वजह नहीं मानती। 2 महीने पहले जो एक लड़का लड़की वाली बात आई, जिसमें लड़के द्वारा लड़की को धोखे से और कुछ खिला के लेके जाने की बात आई थी, जिस पर बात है उस घटना से इस घटना के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अभी जो 8 तारीख को जो घटना हुआ है वो दो बच्चों की लड़ाई से शुरू हुआ है, जिसमें माँ बाप शामिल हो गए हैं और सामाजिक लोग शामिल हो गए और ये बहस ज्यादा हो गया, उसके बाद मारपीट में आ गए। बिरनपुर की घटना अब राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी अखाड़ा भी बन गई है। कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगा रहे हैं। बिरनपुर में ये जांच कमेटी गठित नहीं की, दुर्ग के सांसद गए, राजनांदगांव सांसद गए, बिलासपुर के सांसद गए, अलग अलग गए, उनके कार्यकर्ता गए, बजरंग दल के लोग गए, और कमेटी जाती तो 2-4-5 लोग कमेटी जाती, वो तथ्यों की जानकारी लेते और जो सवाल उठाए जाते है ना, तो उसके बारे में राज्यपाल को ज्ञापन देते, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते, प्रशासन को ज्ञापन देते, तो उसमें विचार किया जाता। लेकिन इन्होंने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। बिरनपुर की जो घटना है, भुवनेश्वर साहू की जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भुवनेश्वर साहू के साथ न्याय हो, उसके परिवार को न्याय मिले और जितने भी लोग इस घटना के दोषी हैं, आरोपी हैं, उन सब की गिरफ्तारी हो, उन्हें फांसी की सजा मिले। बिरनपुर में बच्चों के झगड़े का विवाद यहां तक पहुंच जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सवाल यही है कि लोगों के मन में यह आक्रोश आया कहां से? जाहिर है ये 1-2 दिन की बात नहीं है। फिर कौन है जो छत्तीसगढ़ में इस आग को हवा दे रहा है? इस सवाल का जवाब हम और आप दोनों को मिलकर खोजने होंगे। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बेमेतरा।